आपके सामने लेकर आए हैं एक नई रेसिपी जिसका नाम है ब्रेड ऑमलेट, और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट है। तो इसके लिए, इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 2 अंडे, ऑयलिंग के लिए वेजिटेबल ऑयल, 1 छोटा कटा हुआ प्याज, 4-5 ग्रीन चिली बारीक कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया। इसके साथ ही हमें चाहिए नमक और ये है आपके पास ब्लैक पेपर। तो इसको हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और हमें इसका मेन इंग्रेडिएंट चाहिए एक ब्रेड। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना अपना ब्रेकफास्ट। तो उसके लिए हमें चाहिए एक बाउल। बाउल में सबसे पहले हम प्याज ले लेंगे और ये हरी मिर्च और ये हरा धनिया। इसी के साथ हम नमक और अपना काली मिर्च का पाउडर भी ले लेंगे। इसको बस थोड़ा सा हिला लेंगे। अब हमें इसमें 2 अंडे जो थे वो इसमें डालने हैं। जो हमने अंडा तैयार किया था उसमें इस तरह से डिप कर देंगे। डिप करने के बाद इसको यहाँ पर तवे पर डाल देंगे। बाकी हम लास्ट में जो हमने हरा धनिया और पुदीना डाला था वो इस पर इस तरह से फैला देंगे ताकि सारे ब्रेड्स पर इक्वल अमाउंट पर ये आ जाए। थोड़ा सा आंच तेज करेंगे और हम इसको थोड़ा सा पकने का वेट करेंगे। अभी भी नीचे से बिल्कुल पक चुका है तो अब हम इसको ऐसे दूसरी साइड से भी पकने के लिए पलट देंगे। ये बहुत ही अच्छा तला हुआ दिख रहा है आप हमें, और हमें चाहिए तो इसमें हम एक्स्ट्रा ऑयल भी डाल सकते हैं, इसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रेड ऑमलेट बिल्कुल रेडी है। अब हम आपको दिखाते हैं, देखो इस तरह से। अब हम इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। दिखाती हूँ ये इस तरह से। अब हम और बाकी के ब्रेड ऑमलेट की बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम इसी तरह अपने दूसरा ब्रेड ऑमलेट की रेडी कर रहे हैं। तो ये हमारी दूसरी ब्रेड भी बिल्कुल रेडी है। इसको भी हम अपनी सभी प्लेट में निकाल के अलग रख लेते हैं। ब्रेड को इस तरह से कट करेंगे और जिस भी शेप का आप देना चाहें अपने ब्रेड को वैसे आप दे सकते हैं। आपको बनाए, अपने घर पर बनाए और इसे सबको टेस्ट कराएं। तो अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।